बिहान की याददाश्त वापस लाने के लिए सबने की है कोशिश, लेकिन हर कोई हो गया फेल। अब एक कोशिश कर रहे हैं घर के नन्हे मुन्ने, अब क्या ये अपनी इस कोशिश में पास होते हैं? आप भी देखिए। मैं हूँ बी फॉर बिहान और मैं हूँ थपकी। ये क्या, कौन है ये नन्हे बिहान और थपकी, और ये कब से थपकी और बिहान बन गए? ये तो हमारी से लेकर बैठे हैं। तुम कब से बी फॉर बिहान और तुम थपकी हो गए? थपकी हो गई आज से जब से हमने ये प्ले किया है। ये दोनों बच्चे ऐसे थपकी और बिहान बनकर ये नाटक क्यों कर रहे हैं? आखिर ये सब क्या चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाला है, जहाँ ये दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों बिहान और थपकी का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, और कुछ कोशिश ये कर रही है ये दोनों बिहान की याददाश्त वापस लाने की, जिसमें इनका साथ दिया है इनकी माँ थपकी ने, और किसने वो कोशिश की जा रही है कि इनके पापा को सब कुछ याद आ जाए। अच्छा, तो ये तरीका है बिहान की याददाश्त वापस लाने का, इन दोनों के प्यार की दास्तान को इस तरीके से बिहान के सामने लाना। तभी तो देखिए कैसे इस शीशे के सामने इस सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। बहुत मेहनत की दोनों बच्चों ने आज पूरे बहुत यू नो इससे क्या बोलते तूफान से हैं, टफ डायलॉग्स बोले इतने सारे जो कि मैंने उस टाइम पे बोले थे, एंड विद लॉट्स ऑफ इमोशंस, विद लॉट्स ऑफ टीयर्स, एवरीथिंग। तो इस छोटे बयान और थपकी की कहानी यूं देखते रहिए और हमें प्यार करते रहिए। ये बच्चे तो कमाल के हैं, हूबहू थपकी और बयान लग रहे हैं। एक्चुअली जब मैं सेट पे आई ना, आई सॉ दिस, यही सेम साड़ी मैंने पहनी थी, एंड ये सेम ड्रेस सेम यही दोनों का। और ये तो कुछ नहीं बॉस, ये तो कुछ नहीं, थपकी के बारे में एक और चीज बताऊंगा, जो छोटी थपकी है उसने बड़ी थपकी का एटीट्यूड भी ले लिया। प्लीज हाँ, मैंने आज मेकअप किया, डोंट टच मी, डोंट टच मी। वैसे इस एक्टिंग के लिए बड़े थपकी और बिहान भी इनकी काफी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, सारा दिन हम लोग एक्चुअली क्लासेस लेते रहते हैं, हमारे मेकअप रूम में बैठे रहते हैं कि आपने कैसे बोला था लाइन, कैसे चलना है, क्या स्माइल, क्या एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू हेल्प देम, इफ यू नो दे आर डिलीवरिंग दीज लाइन्स और हमारा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो चीज बेस्ट निकल के, और एक्चुअली में ये छोटी थपकी और छोटा बिहान लगे। बिल्कुल लग ही रहा है। ये देखिए इनकी मेहनत रंग लाई और बिहान को पुरानी यादें याद आने लगी। नकली सगाई करते शीना से, तो मेरा ये कहना था कि क्या समझते हो तो मुझे दुख होता है, जो भी इनके डायलॉग्स है जो कि मेरी आज बच्ची ने बोले हैं, तो उतने में ये दिखाते हैं कि हमारी दुल्हन देखना चाहती हो, ये देखो। ऑफकोर्स ये पुरानी चीजें हैं जो मैंने कभी थपकी के लिए की थी, और आज अगर ये छोटी थपकी छोटे बयान के लिए करी तो कहीं ना कहीं ये मुझे चीजें याद आ रही हैं, और जिसको मैं अपनी खुद की अभी वाली जो लाइफ है उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये सब मैं भूल चुका हूँ, बट धीरे धीरे कुछ आ रहा है, तो मैं बड़ा परेशान सा हूँ, और यू नो मेरी हालत खराब हो रही है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कब जिया मैंने, ये लाइफ कब थी मेरी, क्या था ये सब, तो कहीं ना कहीं वापस पुरानी चीजें याद आ रही है। बस अभी ऐसी हालत है मेरी, और मैं बाहर गया हूँ थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए, मैंने प्ले देख लिया थोड़ा बाहर। चलिए देखते हैं अब थपकी की कोशिश कितनी कामयाब होती है, क्या वो बिहान की याददाश्त वापस लाने में कामयाब हो पाती है।